हाँ हेलो बच्चों, कल जो हम क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे थे उसमें एक्स की एक वैल्यू तो आई थी प्लस माइनस वन, और एक एक्स की वैल्यू आई थी प्लस माइनस रूट थ्री प्लस क्या आया था, टू रूट टू, 3 प्लस 2 रूट 2, एक वैल्यू आई थी दूसरी आई थी। तो इसको यदि हम देखें तो प्लस माइनस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू रूट टू इंटू वन, तो आ गया प्लस माइनस रूट, ये आ गया रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया प्लस माइनस वन प्लस रूट, यानी उस वैल्यू को, एक वैल्यू तो यह आई थी, एक यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो सिंपलीफाई करके ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 24 देखें, क्वेश्चन नंबर 24 24 है, टेन इनवर्स 1/4 प्लस टू टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/6 प्लस टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू 5/2। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो एकदम सिंपल है क्वेश्चन। तो देखें पहले इसको तो ऐसे रहने दें, टेन इनवर्स 1/4 प्लस, इसमें टू टेन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएं, तो टेन इनवर्स टू अपॉन फाइव अपॉन वन माइनस 1/25 प्लस टेन इनवर्स 1/6 इक्वल टू, इस 5/4 को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/5, और इस टेन इनवर्स 1/x को साइड भेज दें, टेन इनवर्स 1/x, ये आ गया, ये आया टेन इनवर्स 1/4, ये कितना आएगा टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 1/6 इक्वल टू, इन दोनों में फॉर्मूला लगा लें, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या आएगा, वन माइनस 1/x वन प्लस 1/x, क्या आ गया। अब दो दो करके लगा लें, इन दोनों को लगा लें पास पास, तो टेन इनवर्स 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/6 प्लस टेन इनवर्स 5/12 इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस, ये आ गया। अब इन दोनों में लगाएं पहले, तो टेन इनवर्स 1/4 प्लस 1/6 माइनस वन माइनस 1/4 इंटू 1/6 प्लस टेन इनवर्स 5/12 इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इसको सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा
इनवर्स इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो 6 प्लस 4 और नीचे आ गया 24 और ये आया 1 माइनस 1 अपॉन 24 प्लस 10 इनवर्स 5 बाई 12 इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ये आया। अब इसको जरा आगे सिंप्लीफाई करें टेन वाई 24 अपॉन ये कितना आएगा 23 वाई 24 प्लस 10 इनवर्स 5 बाई 12 इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 क्या आ गया। ये आ गया 10 इनवर्स 10y23 प्लस 10 इनवर्स 5 बाई 12 इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इसमें फिर से 10 इनवर्स x प्लस 10y लगा दें इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई लगाएंगे क्या आएगा 10 इनवर्स 10y23 प्लस 5 बाई 12 अपॉन 1 माइनस 10y23 इंटू 5 बाई 12 इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और 10 इनवर्स ये बड़ी लाइन खींचते हैं दोनों का एलसीएम ले तो आएगा 23 इंटू 12 इससे इसको डिवाइड किया तो 12 12 मल्टीप्लाई बाई 10 120 आ गया प्लस इसका इसमें तो 23 मल्टीप्लाई बाई 5 115 आ गया। और नीचे वाले में देखें तो 23 इंटू 12 माइनस 10 इंटू 5 इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 इनवर्स ये कितना हो गया 235 अपॉन नीचे क्या आ गया भारतीय 36 12 2 24 और 3 27 माइनस 50 इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इसको सिंप्लीफाई करें टेन इनवर्स 235 अपॉन ये कितना बचा 6 2 2 दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 अब दोनों तरफ 10 ले लें दोनों ओर 10 लेने पर दोनों ओर 10 लेने पर तो क्या आएगा
टेन इनवर्स 235 अपॉन 226 इक्वल टू 10 10 इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। हमें पता है कि 10 10 इनवर्स x x होता है। तो क्या आ जाएगा ये 235 अपॉन 226 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 235x प्लस 235 इक्वल टू 226x माइनस 226। इसको इधर ले आइए, तो 235x माइनस 226x इक्वल टू माइनस 235 माइनस 226 कितना बचा ये 9x इक्वल टू माइनस कितना हुआ ये 1461। 9x इक्वल टू माइनस 461, इससे x कितना आएगा माइनस के 461 अपॉन 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 है। और देखें जरा आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3। एक तो इक्वेशन ये दी हुई है, दूसरी दी हुई है कोस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 5/3, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसमें दो ज्ञात राशियां हैं एक्स और पाई। यदि तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के हल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस इसमें क्या है इसको एडजस्ट करना है। क्वेश्चन को एडजस्ट करना है मीन्स ये दोनों साइन में है, ये दोनों कॉस में है, या तो दोनों को ही साइन बदल दिया जाए या दोनों को ही कॉस में बदल दिया जाए। तो नीचे वाला दोनों कॉस में है, ऊपर वाले को भी कॉस में बदला जा सकता है। कैसे, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 5/2 होता है। अब मान लो साइन इनवर्स एक्स को यहां से वैल्यू निकालें, कितनी आएगी
ये आएगी पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स, मतलब साइन को कॉस में बदलना हो तो पाई बाई टू माइनस कर दो। इसी तरीके से कॉस को साइन में बदलना हो, यहां से कॉस इनवर्स एक्स क्यूब निकालने क्या आएगी, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इन दोनों फॉर्मूलों को अपने को याद रखना है। यदि दोनों को कॉस में बदलना है तो पहले वाले में ये रख दो, और दोनों को साइन में बदलना है तो दूसरे वाले में ये वाली वैल्यू रख दो। तो जैसे एक्स के लिए वैसे वाई के लिए भी होगा। तो वाई के लिए क्या आएगा, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू होगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। इसका उपयोग हमें करना है, इसका यूज करना है। इसका यूज करने से क्या होगा, ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। तो देखें जरा हमने क्या किया, जो पहली इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन में साइन इनवर्स एक्स की जगह ये वाली वैल्यू रख दी, ये, और साइन इनवर्स वाई की जगह ये वैल्यू रख दी। ये दोनों वैल्यू का यूज करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह ये रखेंगे और साइन इनवर्स वाई की जगह ये रखेंगे। समीकरण 1 में तो क्या किया हमने, समीकरण 1 में साइन इनवर्स एक्स की जगह तो रखना है पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तथा साइन इनवर्स वाई की जगह रखना है पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई। समीकरण 1 में साइन इनवर्स एक्स की जगह ये तथा साइन इनवर्स वाई की जगह ये रखने पर रखें, रखेंगे तो क्या आएगा, इस जगह रखिए पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि 2 है, साइन इनवर्स वाई की जगह रख दीजिए पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3। अब इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो पाई आया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3। माइनस से डिवाइड कर दें या उसको इधर ले आइए, तो पाई माइनस 2π/3 इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। 2π/3 को इधर ले आए और इन दोनों को इधर ले गए, तो क्या हुआ ये, यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको सॉल्व करने के बाद आएगी, तो पाई में से 2π/3 माइनस करें तो क्या आएगा, 5/3 आएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे दिए। जो समीकरण हमारी 1 थी, समीकरण 1 में इन दोनों के मान रखने से हमें समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई है। तो समीकरण 3 और समीकरण 2 देखो एक जैसी है, बस चिन्ह का अंतर है। तो इससे हमें यह फायदा होगा कि समीकरण 2 और 3 को हम हल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करेंगे। ये समीकरण 2 है और समीकरण 3 है, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू
5/3 मतलब दोनों का डिफरेंस भी 5/3 है और सम भी 5/3 है। तो अब हमने क्या किया, समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिया। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ दें तो दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 cos inverse x = 2 × 5/3। 5/3 5/3 को ऐड करोगे तो 2 π/3 होगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू जो आई, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आई 5/3, एक्स आ गया कॉस 5/3, एक्स आ गया कॉस 5/3, कॉस 60 मतलब हाफ, एक्स की वैल्यू आई है। अब इस वैल्यू को चाहे तो समीकरण 2 में रख दें चाहे समीकरण 3 में रख दें, तो क्या आएगा, समीकरण 3 में एक्स का मान रखने पर, एक्स का मान रख दिया, क्या था, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 5/3, एक्स की वैल्यू रखिए कॉस इनवर्स हाफ प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 5/3, ये हो गया 5/3 प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 5/3, तो कॉस इनवर्स वाई आ गया 5/3 − 5/3। तो कॉस इनवर्स वाई आ गया आपका, कॉस इनवर्स वाई आपका आ गया 0, तो वाई आ गया cos 0 cos 0 मतलब 1। तो एक्स की वैल्यू पहले कितनी आई थी, हाफ, एक्स की वैल्यू आई थी हाफ और वाई की वैल्यू आ गई 1। ये इसका सॉल्यूशन या हल है। और इस तरीके से सेकंड चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो खत्म है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।